टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजी चेतना और लिसनर प्रोग्राम है सुनो सखी। आपको बताया कि प्रोग्राम का जो मेरा कंटेंट रहता है ना, वो बेसिकली होता है महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, उनके लिए डेली रूटीन में कोई ना कोई नॉलेज वाली बात, उनके हेल्थ से रिलेटेड बात, या फिर वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकती हैं, इससे रिलेटेड बात करती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ उनको ये भी बताती हूँ कि घर के जो बजट है उसको मैनेज कैसे करना है, घर की किचन को कैसे मैनेज करना है, और अगर आप एक वर्किंग वुमन है तो कैसे आप मैनेज करके चल सकती है दोनों जगह के काम को। और साथ ही साथ इसके साथ आपकी ब्यूटी का ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है, क्योंकि इन सभी कामों को तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप अपनी सुंदरता की तरफ ध्यान देंगे तो ये और भी अच्छी बात है। आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हैं, दूसरों की फिक्र करती हैं, लेकिन खुद के ऊपर कब ध्यान देंगी? मुझे पता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी, लेकिन मैं हमेशा आपको मोटिव करती हूँ, ये मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, अपनी सुंदरता को बनाए रखिए। और सुंदर दिखना तो कोई बुरी बात नहीं होती ना, हर लेडी हर फीमेल ये चाहती है कि वो सुंदर दिखे। तो ऐसे में अब मैं बात करने वाली हूँ बालों को लेकर। अक्सर क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे कॉल या मैसेजेस आए और उसमें मुझे पूछा गया कि मैम क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश वाला मौसम होता है, तो हमारे बाल बहुत ही रूखे, चिपचिपे, नमी वाले हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आपने सभी सखियों के लिए ये टिप शेयर कर दी जाए। और अब मैं जो टिप बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। गर्मी का मौसम और ऊपर से बरसात, ये दोनों जब ह्यूमिडिटी पैदा कर देते हैं तो इसका असर हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों पर भी पड़ता है। हमारे बाल बहुत ही रूखे, बेजान, चिपचिपे हो जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक तो बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप बरसात से आती हैं, कहीं भी गई, आपको बरसात में जाना पड़ा और जब घर लौट कर आई, तो अपने बालों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ज्यादा केमिकल पॉल्यूशन मिक्स हुआ होता है, तो ये आपके बालों को डैमेज कर सकता है। उसके बाद दही, आप नींबू और दही जो है वो मिक्स करके लगा सकती हैं, लेकिन जिनके बालों में पहले से ही ऑयलीपन है उन्हें दही अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकती हैं, आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है एक बहुत अच्छा कंडीशनर भी माना गया है। आप मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसका एक पेस्ट रेडी कीजिए, उसमें गुलाब जल भी मिक्स कर सकती हैं, और आप अगर खुशबू के लिए उसमें कुछ और मिक्स करना चाहें वो भी कर सकती हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो आप इसमें नीम का जो पानी है उससे इसका पेस्ट रेडी करेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इस पूरे मिक्सचर को आपको अपने सिर पर जब भी आपको सिर धोना है उससे कम एक घंटा पहले लगाना है और ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद ताजे पानी से अपने सिर को धो लेना है। अगर आप ऐसा इस मौसम में करती हैं तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि बालों की डैमेजिंग को लेकर, हेयर फॉल्स को लेकर जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी, और ये जो चिपचिपापन रहता है ये भी नहीं रहेगा। तो ऐसी कोई अगर टिप आप भी जानती हैं जैसे कि मैंने आपसे शेयर की इस मौसम को लेकर, तो आप भी मुझसे शेयर कर सकती हैं, और आप अपनी टिप को शेयर कर सकती हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो भूलिएगा मत, आप अपने विचार, अपनी थॉट्स, अपनी टिप्स, एवरीथिंग शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि मैं उसे सबके साथ शेयर कर सकूं और सबके ब्यूटी का ख्याल रख सके, सबकी नॉलेज को बढ़ा सके। फिलहाल अभी यहाँ पर वक्त होता है आपसे टाटा बाय बाय कहने का, और मैं चलती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात यस टीवी पर इसी तरह से किसी और नई टिप के साथ। देखते रहिए यस टीवी और अमल करिए हमारी हर टिप पर। बाय बाय।